आप हांगकांग में आए और वांचे मार्केट में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में अच्छी स्कर्ट्स, मतलब लेडीज़ शॉपिंग, जेंट्स शॉपिंग बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बिजी मार्केट है। कम से कम 2-3 किलोमीटर में ये फैली हुई है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, खाने पीने का अरेंजमेंट ये है। सांस लेने के लिए भी जगह नहीं है इतना, अभी तो ठीक ठाक रश कम है। $70 इस शॉप से भी हम कुछ शॉपिंग की है अनु ने, और ये भी एक शॉप है यहाँ पे। हर तरह की वैरायटी है यहाँ पे। ये फॉइल पेपर है, ये स्टैनली मार्केट है, ये बहुत सही है यार, यहाँ जरूर आए आप। ये देखिए और मोस्टली लोग खड़े होके यहाँ पे पिक्चर्स खिंचाते हैं, जल्दी जल्दी नंबर नहीं आता। और ये बिल्डिंग देखिए सामने, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। और ये पूरे स्टेप्स ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाओगे आप। और वाटर फ्रंट फॉर्म करने 60 मिनट्स, और जस्ट स्टैनली मार्केट के साथ ही ये स्टैनली मार्केट है। और जस्ट इसके साथ वो सामने जो दिख रहे हैं मिड लेवल एस्केलेटर्स, वर्ल्ड के सबसे लंबे सेंट्रल मिड लेवल एस्केलेटर, ये देखिए। इस पे जाते टाइम तो आप एस्केलेटर से जा सकते हैं, और आते टाइम आपको पैदल आना पड़ेगा। चलिए जाके देखते हैं इस पे कैसे रहता है। वहाँ से है इसकी एंट्रेंस, वो वहाँ से स्टार्ट होता है। लीची का साइज़ देखो ये आप, कितना बड़ा है। और ये मिड लेवल एस्केलेटर्स जो बड़े फेमस है, इट्स ओके। सो हमने डिसाइड किया है कि हम एस्केलेटर में नहीं जाएंगे यार, तो वो ठीक है। ये साथ साथ जो शॉप्स हैं, ये मार्केट है, इसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ से हमने लिए ये चेरी और ये लीची। लीची का साइज़ देख लो, और ये स्ट्रॉबेरी का, ऐसे लग रहा है जैसे जंबो साइज़ है। अब हम खा के अभी इसको ट्राई करते हैं। मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है कि इसके साथ साथ हम वॉक करें। ओह अनु, टेस्ट करके बताओ। मीठी है? कितनी मीठी है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तो एस्केलेटर में नहीं हम जाएंगे, हम इधर से ही जाएंगे। एस्केलेटर में सारी दुनिया जाती है यार। ऊपर देखो आप ये चीज़, ये पूरा स्टीप। आते टाइम आपको पैदल ही आना है, आते टाइम आपको पैदल ही आना है। तो बस जस्ट देख लेंगे, उसमें तो चलना ही है, पर ये साथ साथ हम मार्केट देख के चलते हैं ना। ये है वेलिंगटन स्ट्रीट और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हांगकांग में एक तो डस्टबिन की बहुत प्रॉब्लम है। आप कुछ भी खा पी रहे हो, आपको कहीं डस्टबिन नहीं मिलता जल्दी जल्दी। और दूसरी चीज़ है कि कहीं उतराई आ रही है, कहीं चढ़ाई आ रही है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत बड़ी लगी, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं कोई मक्खी मच्छर गंदगी बिल्कुल नहीं है। देखो एक ग्रुप आया हुआ है। या
ये मार्केट में हम जा रहे थे और ये देखिए तरबूज देखिए उसका साइज वेरी बिग यस टू बिग ये बैंगन का साइज देख लो और इधर टमाटर अदरक का साइज देख लो अदरक टू बिग और ये अनियन प्याज ड्राइड हम पैरेलल रोड पे चल रहे हैं वो देखिए हो यार ये व्यू सही है पर ये व्यू तो आउटस्टैंडिंग ही है ये जहाँ जहाँ पे शेड पड़ा हुआ सारा ये वही है आधे लोग तो बीच में से छोड़ के आ रहे हैं पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हम साथ साथ में जो जा रहे थे तो अभी वापस आते टाइम आपको पैदल ही चल के आना पड़ेगा अनु जस्ट ऊपर से एक बार राइड लेके ये इसके बारे में बताया हुआ है तो ओवरऑल आपकी चॉइस है कि आपको कितना चलना है क्योंकि वापस आते टाइम आपको इधर से पैदल ही आना पड़ेगा देखिए मोस्टली लोग पैदल ही आ रहे हैं कच्छाना ओ वाओ यार दिस इज आई नो दैट दिस इज आर्ट म्यूजियम आई थिंक सो भाई साहब लाइफ धन्य होगी हांगकांग में पहला डस्टबिन दिखा है नहीं तो हम चलते रहते हैं डस्टबिन कहीं नहीं दिखता और आपकी पानी की बोतल है कुछ भी है अपने साथ पकड़ के रखो ठीक है ना ये सबसे बहुत प्रॉब्लम है कि डस्टबिन कहीं नहीं मिलता और ये पहला मुझे दिखा है डस्टबिन यहाँ आप कुछ डाल सकते हो गुड डे यार ट्रेन की एंट्री है और यहाँ पे इन्होंने टाइम टेबल लगा रखा है इसका फेयर्स रिटर्न 88 सिंगल 62 और टाइमिंग और उधर ट्रेन तो आपको मैंने साथ में यहाँ पे रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं और अगर आपको पता है हिडन पॉइंट्स हैं वो आपको मस्त पता होना चाहिए ये रोड है सॉरी दिस इज फिंडले पाथ ये जा रहा है अगर आप नीचे से वॉक करके आना चाहते हैं और अभी ये देखिए
भाई लोग एक टिप दे रहा हूँ, आप पीक पे आएँ और यहाँ पे बर्गर किंग पे खाएं, साथ में बियर भी मिलती है जो मेरे लिए है। और सबसे प्लस पॉइंट कि अल्टीमेट हम यहाँ पे बैठे थे, ठीक है, और सब लोग यहाँ पे आगे वीडियो खिंचाते हैं जिनको ये पता है, हर किसी को नहीं पता ये। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। अनु ये देखिए, और ये उधर से इधर को बर्गर किंग को एंट्री है। तो ये अल्टीमेट व्यू है, ये आपको मिस नहीं करना है, ठीक है ना, व्हेन यू आर इन हांगकांग। आप यहाँ ट्रैम से आ गए पीक पे और ये ऑब्जर्वेशन डेक है, स्काई डेक भी से बोलते हैं, ये देखिए ये स्काई डेक। तो यहाँ पे ऊपर पैसे लेते हैं अलग से, आई डोंट नो कितने लेते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है यार, बर्गर किंग पे खाना खाओ और वहाँ पे वो व्यूज़ दिखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आगे, ये लुगार्ड रोड, ये है लुगार्ड रोड। इस रोड पे अब हम चलेंगे, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, ठीक है, तो लेट्स गो। और इस रोड पे ओनली फॉर वॉकिंग, कोई बाइक और सब उनको लिए स्पेशल परमिट है, जिनके लिए उनके लिए अलाउड है। व्यूज़ जो यहाँ पे होंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता रहूँगा। नेचर मतलब ये बहुत कम लोगों को मालूम है, हार्डली, मतलब मैं नहीं हूँ, कितने परसेंट लोगों को। ऊपर प्लेन जा रहा है, ओह
बेस्ट हीरो।